और एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक जारी है। इस बैठक में नक्सली समस्या के खात्मे और नक्सल प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ साथ सात राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। ये तस्वीर आपको अंदर के दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये बैठक चल रही है नक्सलवाद को खत्म करने पर, ये बड़ी बैठक जारी है। केंद्र सरकार 2014 के बाद से लगातार ये बात कहती हुई आई है कि नक्सलवाद को खत्म करना है और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद है। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 2014 के बाद से लगातार केंद्र सरकार की मुहिम रही है कि किसी भी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो चुकी है। आज बैठक में क्या कुछ खास है? देखिए, मोदी सरकार 3.0 की यह सबसे अहम बैठक है नक्सलवाद को लेकर, और किस तरीके से नक्सल प्रभावित राज्य जो हैं उनके भीतर जो कोऑर्डिनेशन हो, इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जो सात नक्सल प्रभावित राज्य हैं जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, ये राज्य हैं, इनके बीच कैसे समन्वय हो, कैसे नक्सल प्रभावित इलाके जो अब भारतीय सुरक्षा बलों के कब्जे में आ गए हैं, अब वहाँ पर कैसे भारतीय व्यवस्था काम करे, वहाँ पर कैसे वहाँ के लोगों के लिए विकास की योजना काम करे, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। और एक और चीज़, हाल ही के दिनों में देखा गया कि नक्सलियों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो वह दूसरे राज्य में जाते हैं, तो दूसरे इंटर स्टेट मूवमेंट को रोकने के लिए राज्यों के बीच में, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में समन्वय कैसे हो, इस बैठक का यह भी एक प्रमुख एजेंडा है। बिल्कुल अमित, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जब ये बैठक की जा रही है, पहले भी गृह मंत्री अमित शाह हो, मोदी सरकार हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित, हम कई बार कहते हुए सुन चुके हैं कि नक्सलवादी क्षेत्र जो है उनके पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार जो है वो भरपूर कोशिश करती है। और आज की बैठक का मुख्य एजेंडा ये भी है कि वो जो नक्सलवाद इलाके हैं जहां पर नक्सलवाद की वजह से पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है, आखिर उसका पुनर्निर्माण किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल सही, और इसी में नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग किस तरीके से मुख्य धारा से जुड़े, मसलन उनके पास शिक्षा हो, उनके पास बिजली की परियोजनाएं जाएं, उनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं जाएं, उनके पास अनाज पहुंचे, और इन सब चीज़ों पर किस तरीके से निर्विरोध तरीके से, निर्बाध्य तरीके से कैसे फ्लो बना रहे, इस पर सात राज्यों में समन्वय बैठाने के लिए ये बैठक है। और इसमें न केवल बीजेपी शासित राज्य हैं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं, तो कुल मिलाकर कैसे एक पुख्ता कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करे ताकि जो जनता है, जो नक्सलियों के बीच में अभी जो बचे कुछ नक्सली हैं उनके बीच में आम जनता जो रह रही है उनको भी समझ में आए आखिरकार भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनके दिल में जगह बनाना चाहती है, नक्सलियों के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, भारतीय व्यवस्था पर विश्वास न करने वालों के लिए। अब यहाँ पर मोदी सरकार 3.0 में कोई जगह नहीं है, यह इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल अमित, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।